ये लो ईगल, ये लो, ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम ईगल को कच्चा गोश्त क्यों दे रहे हैं। हम ईगल को दोस्तों कच्चा गोश्त इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जब आजाद हो तो इसकी आदत हो कच्चा गोश्त खाने की। जब ये आजाद होगा तो बॉयल चिकन तो इसे मिलेगी नहीं, तो हम इसकी आदत दिलाना चाह रहे हैं ताकि ऐसा ऐसा आदि हो जाए कच्चा गोश्त खाने का। इससे दोस्तों ईगल के जबड़े भी मजबूत हो जाएंगे और ये जब बाहर आजाद होगा तो आराम से सर्वाइव भी कर पाएगा। तो अब दोस्तों हम आ गए अपने गोट फार्म में और हमारी मदर गोट अपने बच्चों को ना दूध पिला रही है। एक हमारा दूध पी रहा है बच्चा, जिसकी टांगे कमजोर थी ना दोस्तों, वही अब खड़ा हुआ है और ये बैठा हुआ है। ज्यादातर दोस्तों क्या होता है कि ये बच्चे हमारे बकरी के सोए रहते हैं। बहुत सारे भाई हमें कल कह रहे थे भाई इनका नाम चुन्नू मुन्नू रखे हैं, कोई टिक्की मिक्की कह रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या नाम थे यार, तकरीबन 10-12 हज़ार कमेंट थे दोस्तों। एक और नाम भी था, क्या नाम? हाँ, सप्तैन और तुरा। हाँ, ये कमेंट भी दोस्तों मैंने पढ़े हैं, तुराब और एक का नाम तुराब रख दें, एक का नाम सिप्तैन रख दें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता यार, हम कैसे रख सकते हैं ये नाम? अब अगर इसका पेट खराब हो गया तो फिर हम कैसे इसको बुलाएंगे कि भाई तुराब को मोशन लग गए, सिप्तैन को आज खांसी हो रही है, तो ये नाम हम नहीं रख सकते। तो हम कोई और नाम सोचेंगे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया इनका नाम, तो डिसाइड करेंगे जो हमें बेस्ट लगेगा। चुन्नू मुन्नू अच्छा नहीं है ना? अच्छा नाम नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं है, चुनू मुनू अच्छा नहीं है। तो अभी दोस्तों हमने अपनी बकरी के बच्चों के नाम डिसाइड नहीं किए, अभी एक दो दिन ऐसे रहेंगे, जब कोई नया नाम अच्छा नाम हमारे पास आएगा तो हम फिर वो रख लेंगे। तो अब क्या करता हूँ, इसमें पानी लेके आता हूँ, क्योंकि बकरी को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो दूध पिलाती है बच्चों को, इसलिए इसको पानी पिलाते हैं। नीचे क्यों गिरा रहे हो यार? थोड़ा सा घास पुराना होता है ना, हमारी हाँ? बकरियां नहीं खाती, तो अभी मैं सारा ये वह कर रहा हूँ, फिर फ्रेश डालूंगा कुछ टाइम के बाद। ये लो पानी पियो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये बच्चे इसके पानी नहीं पियेंगे? नहीं, दूध पीते हैं वो सिर्फ। अच्छा, घास भी नहीं खाएंगे? कब नहीं, तक तकरीबन महीना डेढ़ महीना ये अभी दूध ही पियेंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई बकरी ने पानी पी लिया है, तो ये जो पानी है ना इसको हम हटो भाई, बताता हूँ। एक मिनट, हाँ यहाँ पे रख दिया है मैंने, और इसके अंदर जाएंगी हमारी ये वाली मछलियाँ सारी की सारी, क्योंकि फाउंटेन हमारा गंदा हो गया था और इसको साफ करेंगे हम दोबारा से। ये देखें मट्टी जो है ना नीचे जमने से पहले ही हम इसको साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है इस पर। तो अभी मछलियाँ तुराब पकड़ेगा और इसके अंदर डालेंगे। ये देखें ये नकली पौधे हैं ना, खाओ। तो अभी तुराब पकड़ने लगा है मछलियाँ और इसके अंदर डालेगा। हाँ, एक एक दो दो कर करके इसको फुल कर लेंगे हम, इससे नहीं आएंगे भाई, लिहाजा उस कपड़े से ही करेंगे, वो नीले वाला जो है। तो ये कपड़ा आ चुका है, इससे तो नहीं हो रहा था काम हमारा, जितनी हुई है ना ये आपके सामने 2-3 पकड़ी है, बाकी इस कपड़े से सारी एक साथ पकड़ लेंगे हम। तो सारी मछलियाँ पकड़ के आपसे मिलते हैं। ये देखें इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली हमने एक साथ, चलो चलो ए, ऐसे आने दो आने दो, अंदर आने दो, सही है ऐसे ही देखना, कुछ नहीं हुआ, चलो सही है। चलें जी, ये आखिरी मछली थी छोटी वाली, और इसमें हमने देखा ब्लैक के भी बच्चे आए हुए थे, तो सारा पानी ये निकलेगा, फिर सफाई करेंगे, फिर नया पानी डालेंगे, फिर ये वाली मछलियाँ भी डालेंगे। और भी मछलियाँ लेनी है? हाँ, और भी मछलियाँ लेनी है। और लेनी है मछलियाँ? अच्छा जी। तो आपने अभी भी कहा कि और भी मछलियाँ लेने जाएंगे, तो पता नहीं अब क्या जहन में चल रहा है इसके। बोला ये उस बंदे की कि मेरे अच्छा। पास बड़ी मछलियाँ आई हुई हैं। अच्छा, आप आ जाएं जल्दी जल्दी, नहीं तो वो सेल हो जाएगी। तो मैंने इस वजह से तुम्हें बोले पहले सफाई कर लेते, फिर तुम्हें बताऊंगा। ये तो भाई सरप्राइज हो गया, चलो मेहनत का सिला भी मिलेगा नए पानी में, नई मछलियों की साफ सुथरे में। चलें दोस्तों अब हम मछलियाँ डालते हैं, हम एक एक करके ना हाथ से डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर है कचरा पानी के अंदर, अगर ये वाला पानी हम डालेंगे ना फिर सारा पानी मैला हो जाएगा, तो वो जाली कहाँ गया सिप्तैन, उससे उठाते हैं ना, वो इजी हो जाएगा। जब तक तुराब जाली धोता है ना, मैं कछुओं को डाल लेता हूँ पानी के अंदर। तो जाओ भाई, सबसे पहले तुम जाओ मजे करो। तो अब बारे दोस्तों हमारी मछलियों की, और ये हमारे हाथ में अब आराम से आ जाएगी। ये देखें हाथ में जाली में, वो ये हाथ में ही है ऐसे समझो ये। चलो भाई जाओ जाओ जाओ, चलें जी माशाल्लाह। क्या बात है, छोटी मछलियां दोस्तों हमने आराम से ना पकड़ लिया है जाली की मदद से। अब मैं बड़ी मछली ना हाथ से पकड़ता हूँ, क्योंकि ये जाली में नहीं आएंगी। शार्क भी दोस्तों इसी में ही है और बड़ी मछली भी इसी में ही है। तो जाओ भाई नए पानी में, चले
ये मछली दोस्तों मुझे बहुत प्यारी लगती है और इसके रंग भी दो दो हैं, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। सबसे बड़ी भी यही है। हाँ बिल्कुल। फाउंटेन दोस्तों हमारा साफ हो गया है और हमारी मछलियाँ बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रही हैं। और अब इस पानी में दोस्तों आएंगी नई मछलियाँ जो हम अभी लेने जा रहे हैं। भाई ने बोले जल्दी से आ जाएं, फिर हमने सोचा यार पहले फाउंटेन साफ कर लेते हैं फिर हम जाएंगे नई मछली लेने। तो चलो सीधे चलते हैं। तो चलें दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट नई मछली लेने। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको ना मिनी जू की अपडेट दे देता हूँ। ये वाली दीवार दोस्तों देखें उस चॉपर तक तकरीबन जाएगी और सामने वाली भी आधी आ चुकी है, ये फ्रंट वाली भी आ चुकी है और वो वाली भी तकरीबन आधी आ गई है। वहाँ से रास्ता हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि ईंटें वगैरह आती है ना, ट्रॉलियाँ वगैरह गुजर सकती हैं यहाँ से इस वजह से। तो अभी दोस्तों देखें माशाल्लाह से काम जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मिनी जू तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं आपने नहीं जाना। ओके बाय बाय। आ रहे हैं सरप्राइज है आपके लिए। शयान खुश हो गया, मैंने उसको बोला कि आपके लिए सरप्राइज है तो वो चिल्लाना शुरू हो गया है। तो जल्दी से चलते हैं यार और अब शयान भी वेटिंग में है। तो चलें दोस्तों जा रहे हैं। चलो जी चलो चलो। रुको रुको फर्स्ट राउंड को आप घूमते, हम रोज आते थे आपके पास, आपका ये ठेला नहीं होता था। यार माल इकट्ठा करना होता है ना, इस वजह से फिर आगे पीछे भी होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों हम अक्सर यहाँ से गुजरते थे और ये वाले भाई नहीं ठहरे होते थे, फिर हम मजबूरन आगे वाले भाई से ले लेते थे मछलियाँ। लेकिन क्या करते यार, हमने लेनी थी होती थी फिर हम ले लेते उधर से। ये है यार ये मछलियाँ जिसका भाई कह रहे थे, दो है व्हाइट कलर की, देखे ये पेयर है ना, डायमंड है। हाँ ये नर्मदा है, फीमेल है, डायमंड कोई है। अच्छा अच्छा ये छोटा साइज है, छोटी मछलियों का ये वाला छोटा साइज है। ये वाली मछली भी हमारे पास नहीं है, ये देख रहे हैं ये वाली, और वो व्हाइट वाली भी नहीं है। ये दो मछलियाँ ले रहे हैं हम और ये वाली दो ले रहे हैं। डायमंड कोई है और ये जैपनीज कोई है ना, ये जैपनीज है, ये डायमंड है। फीमेल है भाई कह रहे हैं और ये दोनों ना मेल है। ये गई एक और ये गई दो। माशाल्लाह कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ये वो चीज आती है, ये वाली भी नहीं हमारे पास इस कलर में। तीन, ये चार। हो गया। अच्छा भाई हमारे पास जो मछली है ना, दो महीने हो गए आपसे लेके गए थे, आपने बोला था वो बहुत जल्द अंडे भी देंगी, ये करेंगी वो करेंगी, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। क्या ग्रोथ के लिए ना आपको ब्लैक बॉम दिखाया था मैंने वो आपको। ओए ये आज बता रहे हैं हमें, छह महीने हो गए आज बता रहे हो कि ये दें आप। भैया ये फीड आप हल्की सी पहले क्यों नहीं दी यार हमें, हमारी मछली ने तो बच्चे दे दिए। किसकी? हमारी मछली। अच्छा ये तो हमारी भी देती रहती है, बड़ी मछलियाँ देना ये वाली फिर मजा है। देंगे इंशाल्लाह आपको, ये ब्लैक बॉम डालो, उसको शिम डालो। हाँ ये आपको बहुत जल्द देगी बच्चे। ये क्या चीज़ है, फुल क्या है, इसको खोल के दे। ये ब्लैड है, ये पत्ते हैं, ये पत्ते शिम शिम के श्रीम्स यार नहीं होती जो कीड़े मकोड़े टाइप होती है। ये ब्लैड है, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं हम नहीं डालेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। फाउंटेन गंदा हो जाएगा। अच्छे नहीं है तो बड़े खुशबूदार है, देसी घी देसी घी में फिर तो भाई ये खाएगा। भाई ये हमने ले लिया पत्नी क्या चीज़ है, श्रीम्स कह रहे हैं, तो ये डालनी होती है मछलियों को, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। और चलो भाई चलो 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 चलो। फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। ये सरप्राइज था आपके लिए। फिशीज हैं? नहीं फिशीज हैं। और चले ऊपर चले, बहुत बड़ी हैं। भाई ने कहा था यार इसको ना शॉपर के साथ ही कुछ देर के लिए इस फाउंटेन में रख दो ताकि इस पानी का टेम्परेचर ना इसके साथ मैच हो जाए। ब्लैक ये क्या है यार, हाँ ब्लैकी को क्या हुआ, पड़ा है यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी है? अबे रेस्ट मार, ब्लैकी खाना खाया हुआ ना इसने, दिया था खाना। हाँ मैंने दिया था, पेट भर के खाया हुआ ना, जब पेट भर के खाए ना ऐसे हो जाती है, ऐसे पड़ी रहती है। मैं डर गया कि इसको क्या हो गया। चले यार खाना दे देते हैं बकरियों को। ये लो भाई, चले भाई खा लो। चलो माशाल्लाह दोस्तों अब ये चलना स्टार्ट हो गए हैं, पहले बहुत ही कम चलते थे, अब ज्यादातर ये खड़े रहते हैं या घूमते रहते हैं, मतलब एक दो दिन के अंदर ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी कि ये गिर जाए। हाँ ये इसके पांव भी दोस्तों ठीक हो रहे हैं, काफी बेहतर है, कल से काफी बेहतर है। सितेंद्र जरा इधर आओ,
हाँ? यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं मिनिएचर चिकन्स के। अच्छा। वो अंडे उठा के ना घर ले जाओ खाने के लिए। क्यों? ये दे नहीं रही यार और अंडे, सिर्फ दो सौ इन्होंने 5 अंडे दिए थे। हमने सोचा था कि ये इंक्यूबेटर में रखेंगे, लेकिन अब 4 अंडे इंक्यूबेटर में कैसे रख सकते हैं। सही पकड़ो भाई, मैंने चोरी रखे हुए थे घर वालों से, लेकिन अब हम सरप्राइज देंगे कि ये ले अंडे खा ले। तो ये बटेर भी बिल्कुल ठीक हो गया, कैसे तेज भाग रहा है यार, इसकी टांगे बिल्कुल ठीक हो गई है। बंद कर दिया मुझे। 10-12 मिनट के बाद दोस्तों हम ना मछलियों को ना अब इस पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर से मेंटेन करना था जो कि हो चुका है। और ये देखो एक मुझे दे दो। नहीं, एक थोड़ी। ये देख, आए दे दो। ये आ गई शयान की हैंड में। ओए गई 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 गई, क्या बात है क्या बात है। अब फाउंटेन में सबसे बड़ी मछलियां ये वाली होगी, है ना? तो आप व्हाइट वाली। और अब इसकी दूसरी साथ भी हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, ये देखें कितना प्यारी है। माशाल्लाह। चलो भाई तुम भी जाओ हमारे फाउंटेन में और यहाँ पर खुशी से रहना। और अब दोस्तों हम ये वाली फिशेस छोड़ देते हैं, और ये दोनों मेरे ख्याल में मेल है। चलो तुम भी जाओ। माशाल्लाह ये देखें, ये हमारे पास सबसे बड़ी मछली है दोस्तों। ये वाली देखें और ये वाली देखें, अब आखिरी हम छोड़ देते हैं। तुम भी जाओ भाई, जाओ। बहुत प्यारी लगी है ना। तो अब दोस्तों हम अपनी मछलियों को ना ये नई खुराक डाल देते हैं। पत्नी खाती भी है या नहीं खाती? खुशबू यहाँ तक आ रही है इसकी। खुशबू नहीं है, बदबू है। खुशबू है भाई, ले लो। ये वाली डालेंगे ना फिर आ जाएंगे ऊपर। बस 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 बस, क्या हो गया? बस काफी है यार, इतना ज्यादा कम है। वो खा गई भाई, ये वाली भी खा रही है और ये वाली भी खा रही है। और ये पता नहीं चीख क्यों रहा है, हालांकि इसने अभी खाना खाया था, इसका पेट फुल है। इसको एक्स्ट्रा नहीं देंगे हम, इसको मछलियों की फिर खिला के देखते हैं ये खाता नहीं खाता। ये भाई जो चीज में वो डालता ना ये खा जाता है। बाकी खा रहा है। ब्लैक की फेट भी इसने खाई थी तुम्हें याद? अच्छा, है। हाँ वो तो खाई थी, लेकिन मछलियों की फीट भी खा रहा है। नहीं खा रहा भाई। हाँ अच्छी नहीं लग रही इसको, छोड़ दो। ये लो भाई जाओ। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।